नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं क्या और कैसे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन एक्सचेंज कंपनी ज़ेबपे के रिगार्डिंग अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि कल एक न्यूज आया था कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन एक्सचेंज कंपनी ज़ेबपे पे कानूनी कार्रवाई करने वाली है। इस खबर के बाद से जितने भी ज़ेबपे के यूजर्स हैं और जितने भी नॉर्मली बिटकॉइन के यूजर्स हैं, जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिटकॉइन का ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन का यूज करते हैं, उनके बीच एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया कि अब क्या होगा। बिटकॉइन इंडिया में बंद हो जाएगा, ज़ेबपे बंद हो जाएगा, या फिर हमारे अकाउंट जो है ज़ेबपे पे फ्रीज हो जाएंगे। और इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन आई, बहुत सारे सवाल उनके मन में आए और बहुत सारे जवाब उन्होंने खुद से ढूंढ लिया, बना लिया और फेसबुक पे शेयर भी करने लगे, सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह पे शेयर करने लगे। इस तरह से बहुत सारी अफवाहें भी बन गई है, बहुत सारी अफवाहें फैल गई। तो ऐसे में इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आप इस वीडियो को देखिए। ओके फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। बिटकॉइन का करंट सिचुएशन जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, कुछ भी पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इंडिया में ना ही लीगल है ना ही इलीगल है, फिलहाल ये बीच में अटका हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कमेटी बनाई हुई है, इसके लीगलाइजेशन और रेगुलेशन पे चर्चा कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आप यूज कर रहे थे वैसा करें। दूसरी बात करें कि आरबीआई की तरफ से, तो आरबीआई जैसा कि 2013 में बोला था कि आरबीआई रेगुलेशन इसका नहीं कर रहा है, रेगुलेशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये इलीगल हो गया। तो यहाँ पे उसने कहा था कि इसके रिगार्डिंग जो भी रिस्क वगैरह, अगर आप इसका यूज करते हैं, आप इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका रिगार्डिंग जो भी रिस्क है उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। इस चीज़ को 2017 में भी पब्लिश किया, मतलब यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिटकॉइन का हम लोग यूज नहीं कर सकते, इंडिया में बैन है। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं जो एक न्यूज आई कल की ज़ेबपे पे इंडियन गवर्नमेंट जो है कानूनी कार्रवाई करने वाली है। तो इसे डिटेल से ज़रा समझिए। यहाँ पर कहा गया है कि ज़ेबपे पे कानूनी कार्रवाई किया जाए कंपनी एक्ट 2008 के धारा आईपीसी 206 के तहत। ऑडिट किया जाए कि ज़ेबपे के जो डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, जितने भी इसके एम्प्लॉयज हैं और जितने भी इसके इन्वेस्टर हैं, उनका चेक किया जाए, देखा जाए कि वो ट्रांजैक्शंस वगैरह जो कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, कोई धोखाधड़ी किया जा रहा है, यहाँ पे किसी तरह कोई चीटिंग किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या लोगों को मतलब ज़ेबपे प्रोवाइड कर रहा है इस तरह फैसिलिटी, या इस तरह का कोई काम किया है, या टेररिस्ट अटैक वगैरह में यहाँ से जो है फंडिंग वगैरह कुछ हुआ है, मतलब ये सारा चीज़ देखना को कहा है कि आप अच्छे से देखो कि ज़ेबपे किस तरह से फंक्शन कर रहा है और सबके ट्रांजैक्शन के डिटेल्स भी देखो। आपको सबसे पहले ज़रूरत है समझने का कि कंपनी एक्ट 2008 के हिसाब से आईपीसी 206 है क्या। ये आईपीसी 206 जो है वो कहती है कि यहाँ पे आपको जो है कोई भी धोखाधड़ी वगैरह नहीं करना है, तो इसके तहत देखती है कि कंपनी के जो भी मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह वो किसी तरह का चीटिंग कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट के साथ, या जितने इन्वेस्टर वगैरह हैं उनको कोई अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है जो इलीगल है, और ऐसे में अगर पकड़ा जाता है तो 2 इयर्स का जेल होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़ेबपे को बंद किया जा रहा है या हमारा अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सारे लीगल वे में हुए हैं। ज़ेबपे ने जो है वो हमसे हमारा KYC लिया है और उसे अपडेट किया है, कंफर्मेशन किया है, उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट को कंफर्मेशन किया, और हमने जितना भी बिटकॉइन बाय या सेल किया है वो अपने बैंक अकाउंट के द्वारा किया है, नेट बैंकिंग जो भी हो मतलब यहाँ पे बैंक के थ्रू किया है। तो यहाँ पे उसके पास सारा डिटेल्स है, हम किसी भी तरह का कुछ गलत काम नहीं कर सकते हैं। मे बी ज़ेबपे कोई गलत काम किया हो, मे बी किसी को बिना KYC वगैरह के ही कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया हो, तो ऐसे में इस तरह के केस में ज़ेबपे फंसेगा ना कि आप। तो जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी यूजर्स हैं, उनको किसी भी तरह का कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है एट प्रेजेंट। ना ही ज़ेबपे बंद हो रहा है, ना ही गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि ज़ेबपे को बंद कर दो, बिटकॉइन इलीगल है, ना ही ऐसा कहा है कि इसमें जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी लोगों ने जितने का बिटकॉइन परचेज किया या जितना है उन सबको फ्रीज कर दो, वो अब इंडियन रुपीज में वो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बस एक ऑडिट के लिए कहा गया है कि अच्छे से देख लिया जाए कि
जिप पे जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, इससे गवर्नमेंट को, इससे कंट्री को कोई लॉस तो नहीं है, और ये क्या कुछ इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, मतलब लोग यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर रहे हो और छुपा रहे हो पैसा, तो ऐसा कुछ भी जीप पे नहीं कर रहा है जैसा हम सभी को लग रहा है, क्योंकि उसने जो है प्रॉपरली सभी से KYC लिया है। ओके फ्रेंड, और मे भी उसने अगर नहीं लिया होगा तो इस केस में जीप पे फंसेगा, आप कंप्लीटली सेफ है, आपने तो यहाँ पे KYC दिया है और जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो बैंक के थ्रू किया है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी तरह का चिंता मत करो, आप नॉर्मली जिस तरह बिटकॉइन का यूज कर रहे हो आप कर सकते हो, आप सिंपली परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, फिलहाल आप ज़ेपे का भी यूज कर सकते हो, और इस तरह का कोई मसला यूनो क्वाइन वगैरह के साथ अभी नहीं आया है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे बिटकॉइन के रिगार्डिंग कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मसला है कि ज़ेपे को देखने के लिए कहा है गवर्नमेंट ने कि उसका फंक्शनिंग और वहाँ पे किसी तरह का कुछ चीटिंग तो नहीं किया जा रहा है, ऐसे में अगर वो कुछ करेगा तो वो फंसेगा, आप बिल्कुल सेफ हो। ओके फ्रेंड, और जैसा कि बात है कि जीप पे इतनी बड़ी कंपनी है, इतने ज़्यादा वहाँ पे ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहे हैं, तो हम सभी को उम्मीद है कि जीप पे जो है वो गवर्नमेंट का साथ देगा इस ऑडिट में, और वो सेफ रहेगा, वो निकल जाएगा इस ऑडिट से, और हम जिस तरह नॉर्मली यूज कर पाते थे जीप पे उसी तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे सारे, अगर बात करें कि इन्वेस्टर की, तो यहाँ पे सारे इन्वेस्टर सेफ हैं, बस उनको यही चीज़ ध्यान देना है कि उन्होंने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, जैसे कि आप एक इन्वेस्टर हो तो आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं आपने तो यहाँ पे प्रॉपरली KYC सबमिट किया है, मतलब पैन कार्ड दिया है, आपने बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन किया है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को सारा रिकॉर्ड आपका जा रहा है, तो आप ऐसे में अगर ट्रेडिंग करते हो और मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो, तो आपको जिस हिसाब से गेन होता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी जो आप पे बनती है वो फिलअप करना है, भरना है, पे करना है। ओके फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच बहुत तरह का कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि इंडिया में नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं जो भी ऑनलाइन फील्ड में वर्क करते हैं वो बिटकॉइन का यूज कर रहे हैं, ऐसे में उनके बीच बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि अब उनका पैसा क्या डूब जाएगा, वो बिटकॉइन का यूज कर पाएंगे या नहीं। तो इस तरह की अगर मेरी वीडियो को शेयर किया जाए तो वहाँ पे उनको एक हेल्प होगा, उनको समझ में आएगा कि ऐसा जो भी कन्फ्यूजन बन रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, करंट सिचुएशन के बारे में उनको पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहिए, और आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी। ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं किया है तो कर लिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।